प्रयागराज, ये मम्मी आगे चलते हैं प्रयागराज के लिए आगे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग ग्रैंड स्टेशन के पास आ गए यार, और भाई ट्रेन हो गई थी लेट, इसलिए हम लोगों ने ट्रेन नहीं ले पाए। तो हम और मम्मी जा रहे हैं अब बस से, तो अब मिलते हैं आगे, देखते हैं बस खाली मिलता है या नहीं, देखते हैं जैसा होता है वैसा देखते हैं। तो आगे वीडियो को देखते ही बहुत मज़ा आने वाला है आपको। फाइनली दोस्तों हम लोग बस मिल गया यार, और हम लोग बस में आ गए। तो यार इत्तेफाक ये हुआ कि यार बस मिल भी गया था, चल रहा था, तो हम लोग बस में बैठ चुके हैं, अब निकल रहे हैं आगे प्रयागराज के पास। तो आइए देखिए, बहुत मज़ा आएगा। मम्मी बैठी हुई है यहाँ पे, मम्मी बस मिल गया तुरंत ना, रास्ते में जाते हुए ही बस मिल गया, हम लोगों को रुकना नहीं पड़ा। तो ट्रेन उधर छूट गई हम लोगों की, इधर हम लोगों ने बस पकड़ लिया, अब हम लोग बस में बैठे हुए हैं। दोस्तों हम लोगों ने आज ट्रेन में बहुत ही सफ़र किया है, और हम लोग आज बस में जा रहे हैं, मज़ा लेंगे बस का भी ना, मम्मी बस में मज़ा लेंगे आज हम लोग। ट्रेन से हमेशा जाते हैं, आज बस से जा रहे हैं, बस का भी व्यू देखिए आप, बहुत आगे मिलते हैं। तो भाइयों यार टिकट हम लोग ले रहे हैं यार, एक कंडक्टर साहब हैं टिकट दे रहे हैं, तो यार टिकट लेना ज़रूरी है। ये रहा हम लोगों का टिकट, ये रहा हम लोगों का टिकट, क्या बात। को देख रहे हैं आप, मम्मी इधर उधर जगह चेंज कर रही हैं, कभी इधर बैठ रही कभी उधर बैठ रही, क्योंकि उनकी मम्मी को इधर धूप लग रहा था तो मम्मी उधर जाके बैठ गई मेरी। और ये बस का कुछ सीन दोस्तों आप देख सकते हैं, मजा आ रहा है भाई, बस का भी आनंद लेना चाहिए। यार बस रुका है अभी यार, थोड़ा सा पानी वानी पीने के लिए बस ने रोका है ड्राइवर ने, तो मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा यार बाहर आया हूँ, तो बैठे बैठे कब से बोर हो गया यार। तो भाई इसीलिए ये है मेरा बस पीछे, और तो हम लोग थोड़ा सा यार कुछ खाने वाने का सामान ले लूँ, क्योंकि यार पानी पीना बहुत जरूरी, आगे मिलते हैं तब से देखिए। ये है भाई कुछ खाने का आइटम यार, आलू बड़ा बड़ा का, भैया दो दे दीजिए। तो भाई मैं दो ले रहा हूँ यार, क्योंकि यार तो भाई मैंने मम्मी के लिए ले लिया यार, अब देता हूँ मम्मी को, क्योंकि मुझे तो भूख लगी नहीं है। नहीं तुम खा लो, हम नहीं खाएंगे, पेप्सी नहीं है, ठंडा पानी, मतलब पानी है ही अपने पास।
मम्मी को यार मम्मी अलग ही डिमांड है भाई, तो मम्मी कह रही है यार चिप्स वगैरह ले लो, तो मैंने मम्मी के लिए चिप्स लेता हूँ वहीं पर। और एक ही ऐप ये दे दीजिए, टकाटक दे दीजिए आप। हो गया भाई, तो ये मम्मी के लिए है। मम्मी ये लो, तो ये मम्मी को बहुत भूख लगा है मेरे, खाए पड़ी है खूब बैठ कर भाई। यहाँ पर यार चाय 5 का नहीं 10 का मिल रहा है यार, क्या बात है। तो आइए मम्मा को मैं चाय दे दूँ। लो चाय लीजिए, आपका चाय गरम गरम, ध्यान से पकड़िए नहीं गिर जाएगा। हमने मेरे को चाय नहीं पीना है क्योंकि यार चाय मैं तो घर से पी कर आया था, तो मम्मा को मेरे बहुत चाय वाय पीने का मन था, तो उन्होंने ले लिया चाय, वो बैठ के खा रही है, पी रही है चाय पीछे। तो यार बस अभी थोड़ी देर के लिए रुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ सीन। मैं अभी हूँ हाईवे पे, तो आपको दिखाता हूँ। तो ये है दोस्तों हाईवे, आप देख सकते हैं। और यार यहाँ से हम लोग अभी इस रास्ते से अभी हम लोग आ रहे थे, और अभी हम लोग को जाना है इधर, तो हम लोग निकलेंगे इधर की ओर। और हमारे ड्राइवर साहब जो हैं वो अभी थोड़ा नाश्ता वास्ता कर रहे हैं, आगे आगे मिलते हैं। चलिए हम लोग प्रयागराज सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। तो भाई बैग उतारना पड़ेगा यार, हम लोग फाइनली पहुंच गए प्रयागराज। तो ये रखो, चलते हैं बैग टांग के निकलते हैं, फाइनली हम लोग आ गए। चलिए आगे चलते हैं, चलते हैं। तो हम लोग पहुंच गए यार, हम लोग टोटो में बैठने जा रहे हैं भाई, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या हुआ? तो भाई फाइनली हम लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं, अब हम लोग जा रहे हैं जहाँ हम लोगों को जाना है, नानी के घर। भाई चलते हैं आगे देखते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग प्रयागराज पहुंच गए हैं, और ये है कुछ सीन प्रयागराज का, आप देख सकते हो। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए यार, अब हम लोग जा रहे हैं अंदर, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस हम लोग तैयार हो गए हैं, अभी मम्मी भी तैयार हो गई है, मैं भी तैयार हो गया ना, तो चलते हैं पार्टी में, वहीं मिलते हैं। अभी रास्ते में मेरे दो दोस्त भी आ गए हैं, वो भी मिल गए रास्ते में, तो हम लोग बनारस से वो लोग यहाँ आए मेरे साथ, तो आगे मिलते हैं। हे फाइनली दोस्तों हम लोग ईडन गार्डन पहुंच गए यार, और भाई यार यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। तो अभी भी मैं पहुंचा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ आगे, आप देखिए आगे मिलिए, बहुत मज़ा आएगा। मैं आ गया हूँ शादी में, और ये खुला तैयारी वारी के साथ, चलिए आगे देखते हैं यार। एकदम तैयार वार होकर देख रहे, एकदम हीरोइन लग रही है मम्मी मेरी। और यहाँ आप देख सकते हैं, तो यार काफ़ी सुंदर सजा हुआ है दोस्तों, बढ़िया है, क्या बात है। ये फ्रेंड सेल्फी पॉइंट इन्होंने बनाया है, तो ये यहाँ पे आप सेल्फी ले सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। हैव अ लुक। तो भाई मम्मी और हम तैयार हो गए एकदम, अच्छे लग रहा है ना एकदम। तो ये कुछ सीन नहीं, मम्मी आप लोगों को कॉफ़ी पिला रही थी, कॉफ़ी कोई बात नहीं है। तो भाई हम लोगों ने इतना लंबा सफ़र किया बनारस से, अपने यहाँ प्रयागराज आए, तो यहाँ पे हम लोग ईडन गार्डन लॉन में हैं प्रयागराज में, तो यार अच्छा है, काफ़ी डेकोरेशन बढ़िया है। तो आगे मिलते हैं, आपको अच्छी चीज़ दिखाता हूँ, तब तक वीडियो को देखते रहिए।
हमारे भैया की कार और हम लोग अभी कार में जाएंगे घूमेंगे यार, क्योंकि यार बहुत मजा आने वाला है रात को। आज हम लोग घूमेंगे ना भाई, आज रात को घूमेंगे हम लोग, आज हम लोग रात को घूमेंगे और बहुत मजा आने वाला है। तो ये है दोस्तों कार मेरे भैया की, आइए चलते हैं आगे। ये दोस्तों चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को करते हैं बंद और मस्ती करते हैं ना भाई। ये सौरव लाल तो एकदम हम लोग हैं प्रयागराज में यार, और ये है नागवा, क्या है भाई, नागवासुकी मंदिर है ये, यहाँ का बहुत ही फेमस है भाई। आप देख सकते हो रात के बज रहे हैं, ठीक है, बज रहे हैं। कार से भाई घूमने, भाई रात का मजा ही कुछ और है ना भाई। भाई हम लोग अभी रात के समय यहाँ पर हैं और वहाँ से पार्टी अटेंड करने के बाद हम लोग सोचे यार कि अब भाई प्रयागराज आया तो घूमना तो बनता है भाई, तो इसीलिए हम लोग भाई घूम रहे हैं। और बिट्टू जी कुछ नागवासुकी जी मंदिर के बारे में बताइए, आप कुछ बता रहे थे तुमको बताते हैं भैया, पूरी अच्छी हिस्ट्री बताएंगे आपको। अच्छा। भैया पूरी हिस्ट्री बताइए जरा, ये भैया जी हमारे आ रहे हैं तो ये बताएंगे मंदिर के बारे में थोड़ा हिस्ट्री। दशाश्वमेध घाट से लेके यहाँ नागवासुकी मंदिर तक जो है जी, यहाँ पर जो है ब्रह्मा जी ने 10 हवन कुंड करे थे, यज्ञ करे थे जी। तो आगे जो है बड़ा गणपति मंदिर है, उसके आगे काफी बड़े टोडामल का महल है और महल के नीचे से ही रास्ता है नीचे। उसके बाद समुद्र मंथन के बाद जब नागवासुकी भगवान यहाँ आए तो प्रयागराज में पैर रखा था उन्होंने, तो यहीं पे आके वो स्थायी हो गए, ये यहाँ आके विराजमान हो गए। इसके बाद आप इसके पीछे चले जाइए बाड़ो बेड़ी माधव जी, भगवान कृष्ण का मंदिर है वो। अगर आप प्रयागराज आते हैं, बंधुआ हनुमान दर्शन करते हैं, तो बेड़ी माधव दर्शन करना ही करना है, संकट मोचन करना ही करना है। जब तक नागवासुकी पे मत्था नहीं टेकेंगे आपका उद्धार नहीं होने वाला है। यह है गंगा माई, तो ये है कुछ स्टोरी भाई यहाँ के मंदिर का, तो जिन्होंने विस्तार से भैया ने बताया तो ये सब कुछ सीन है। और ये है इधर गंगा जी, तो ये रात का कुछ सीन है भाई, इससे अच्छा जगह क्या मिलेगा रात को हम लोग घूमने का, और इससे अच्छा विस्तार में क्या आपको जानकारी मिलेगी। तो ये है रात का समय भाई, तो इतना साफ तो दिखेगा नहीं, लेकिन इस समय गंगा जी सूख गई है काफी ज्यादा। हाँ हाँ, पानी यहाँ तक रहता है, ये यहाँ तक पानी आता है, उसके बाद वो ऊपर वहाँ तक जाता है जहाँ बोट लगा हुआ है, बोट तक पानी जाता है। बज रहे हैं यार 2 और हम लोग रात को यार चाय भी नहीं आए हैं। तो यार यार रात के समय भी यहाँ दुकान खुली हुई है प्रयागराज में। ये ढकेलू भैया की दुकान है। तो भाई ये रहा टिकट यार, और हम लोग अब जा रहे हैं बनारस अपने घर वापस, और ये है ट्रेन खड़ी है, तो चलते हैं आगे देखते हैं अपने घर चलेंगे वापस बनारस। तो दोस्तों ट्रेन में बहुत भीड़ था तो हम लोग ट्रेन से उतर गए ना, अब हम लोग जा रहे हैं पैदल, अब पकड़ेंगे पैदल पहुंचेंगे। नहीं पैदल नहीं, पैदल चल रहे हैं, नहीं पैदल नहीं पहुंचेंगे हम लोग, बस पकड़ेंगे अभी, फिर बस पकड़ के फिर निकलेंगे। और ट्रेन में मम्मी खड़ी थी, हम भी खड़े थे पूरा टाइम, तो एकदम पैर का हालत भी खराब, तो इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार छोड़ो हटाओ ट्रेन में, पैसा मेरा फालतू गया 120 रुपया, मम्मी का पैसा फालतू चला गया, कोई नहीं, तो अभी बस से जाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग हैं हंडिया में, हंडिया पे हम लोग उतर गए, बहुत भीड़ था ट्रेन के अंदर, एकदम पैर रखने की जगह नहीं थी, तो इसीलिए अब हम लोग जाएंगे बस से, आगे देखिए आप देखिए। तो भाई यार अभी हम लोग हैं हंडिया में और बस का वेट कर रहे हैं, तो बस आने वाला है, बस पकड़ेंगे फिर वहाँ से निकलेंगे। और यार हम लोग कल आए थे बनारस से प्रयागराज, अब प्रयागराज से हम लोग जा रहे हैं बनारस, तो अभी प्रयागराज से हम लोग यहाँ हंडिया पे आ गए। तो ये है दोस्तों हंडिया शहर का सिग्नेचर हंडिया, आप देख सकते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग बनारस अपने शहर वापस आ गए, तो आगे चलते हैं घर भाई, दोस्तों बहुत थक गए हैं, चलते हैं घर अपने, दोस्तों तकलीफ आए।